वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। और गाइज देखिए टाइम 3:11 AM मतलब बिल्कुल सही टाइम में उठ जाते हैं और नींद बहुत भयानक लगता है उठने के बाद। पूरा मन दिन अलग अलग चीज़ बोलेगा, अरे सो थोड़ा देर और ये ऐसे करो वैसे करो, लेकिन नहीं, उठ के हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं और पानी पी लेते हैं, उसके बाद बैठ के पढ़ते हैं। तो गाइज अभी हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे अभी 3-4 घंटा, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत वास्ट है। लोग कहते हैं कि बहुत छोटा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत वास्ट सिलेबस है और बहुत ज़्यादा एक्चुअल भी है, याद भी करने वाला है, लेकिन बहुत मज़ेदार है। तो गाइज अभी पढ़ते हैं। तो गाइज पढ़ लिए, मॉर्निंग का स्लॉट देखिए, टाइम आज थोड़ा लंबा खींच लिए है, 7:08, थोड़ा टॉपिक बड़ा था, इसीलिए विलेज स्टडी के बारे में करना था, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, हाथ में दर्द करने लगा लिखते लिखते। तो गाइज अभी थोड़ा सा वहाँ बाहर ही जाएंगे पैदल, थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए गाना सुनते सुनते। तो गाइज अभी हम बाहर ही जाते हैं, थोड़ा वहाँ कल जो नारियल पेड़ लगाए हैं उसमें पानी भी दे देंगे। तो गाइज जाते हैं अभी। तो गाइज देखिए, कल जो नारियल का पौधा लगाया है उसमें पानी दे दिए, फूल में पानी देना बाकी है। गाइज देखिए, थोड़ा सा ही बारिश में कितना तगड़ा, एकदम हरा भरा लग रहा है बारी, थोड़ा सा बारी आ गया गाइज, माइंड रिलैक्स हो गया, मस्ती से फिर से दिमाग रिफ्रेश हो जाएगा, फिर से पढ़ेंगे। थोड़ा देर में फिर आएंगे, शाम मतलब थोड़ा देर में नहीं, शाम को अब आएंगे तब फिर पानी देंगे, अभी जाते हैं गाइज घर। तो गाइज देखिए, हम आए हुए हैं यहाँ, मतलब हमारे पुरखों का जो स्मरण के लिए जो पत्थर गाड़ा जाता था, एक पत्थर बूढ़ी नानी का, वो जो पुराना पत्थर है बूढ़ी नानी का है, बहुत पुराना है, मतलब 2001-2002 इसी तरह कुछ ईस्वी का होगा, तो गिर गया था, तो उसी को ठीक करने आए थे, अरे हमारे नाना जी का है, तो इसको आज ठीक कर देंगे, फिर कल ला के पेंटिंग कर देंगे, ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ है ना सो। तो गाइस देखिए, एक नया टेबल बनवाए, ऐसे ही प्लाईबोर्ड रखा हुआ था, तो यहाँ बाहर में जो मिस्त्री जी हैं फर्नीचर वाले, उनसे ठुकवा दिए इसमें 4 उसका पैर, क्योंकि किताब रखने में बहुत दिक्कत हो रहा है, एक टेबल भर गया और यहाँ जहाँ बैठ के पढ़ते हैं वहाँ भी भर चुका है, तो अभी यहाँ सरियाएंगे किताब। तो गाइस देखिए, बुक्स को सरिया दिए, अब पूरा अच्छा भी लग रहा है देखने में। देखिए ये अपना स्टडी टेबल पूरा भरा हुआ था एकदम भयानक टाइप से, इसको भी मस्त खाली कर दिए पूरा, और ये यहाँ पर भी जो पूरा बुक भरा हुआ रहता था यहाँ भी खाली कर दिए। अब हम सब्जेक्ट वाइज बांट दिए गाइस, ये मेरा जनरल कुछ कुछ है, यहाँ किताब A4 साइज पेपर ये सब है, ये मेरा इंडियन पॉलिटी के लिए काफ़ी है, बस गवर्नेंस के लिए कुछ नोट्स खरीद लेंगे, और ये गाइस एंथ्रोपोलॉजी, ये देखिए अपना ज्योग्राफी हो गया, डेली जो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नोट कर लेते हैं इस टाइप से, देखिए मतलब पढ़ते समय जो हमको अगर क्वेश्चन लगता है तो ऐसे कोई भी पेपर में नोट कर लेते हैं, फिर बाद में एक कॉपी रखे हुए हम उसमें नोट करते हैं। ये मेरा रफ कॉपी है, गाना तो हम सुनते हैं कम से कम आधा घंटा डेली, मेरा माइंड रिलैक्सेशन करने का मेन स्रोत वही है, और ये अपना सीधा सीधा वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप, झारखंड मैप सारा है। और गाइस यहाँ देखिए, ये सारा बुक्स मेरा बिल्कुल अरेंज हो गया, आप समझ सकते होंगे कि UPSC का सिलेबस कितना है समुद्र है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में पढ़ना पड़ेगा। सब लोग तो बोलते बड़ा कठिन है, लेकिन देखते हैं, प्रयास करेंगे पूरा, अपने ओर से 100% देंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान बोले हैं गिव योर 100%, सो आई विल ट्राई टू गिव माई 100%। अब मस्त पूरा मस्ती से पढ़ेंगे, और देखिए सबसे भयानक मोटिवेशनल का सोर्स ये है, अपना सबसे भयानक मोटिवेशनल का सोर्स ये, अब जो भी अब पता चला गया होगा सबको कि इससे ज़रूर मोटिवेशन मिलता होगा। और ये अपना सीधा में बिल्कुल मैप लगा दिए हैं, कोई टेंशन नहीं, और ये सिलेबस, एक सिलेबस था पुराना वाला वो फट गया, ये शांतनु नया निकाल के ला दिया है मेरे लिए। तो गाइज अभी हम अब बहुत टाइम लग गया हमको, कुल मिला के 1.25 घंटा लग गया इसको सेटअप करने में, तो 2 भी बज गया, खाना खाने का टाइम हो गया। तो गाइज अभी खाना खाएंगे, उसके बाद मस्ती से पढ़ेंगे बैठ के। गाइज तो पानी चला गया, पानी आ गया था, बारिश होने लगा था, तो थोड़ा देर सो गए थे, टाइम गाइज बहुत हो गया, 4:30 बज गया, आज दिन में थोड़ा सा गैप हो गया पढ़ाई में, लेकिन काम भी था, क्या कर सकते, उसको भी मतलब बहुत नेसेसरी काम था,
वहाँ पर गई और यहाँ पर गई। यहाँ पर सारा बुक्स वगैरह सरियाना था। अब मेरा देखिए बुक्स जितना भी है सब बिल्कुल प्रॉपर वे में अरेंज्ड है, तब हमको मतलब दिक्कत नहीं होगा कोई सब्जेक्ट का कुछ ढूंढने में। नहीं तो एक जगह सब जमा रहता था तो एक बुक निकालने में 5 मिनट 7 मिनट लगा, ज़्यादा टाइम जाता था। अब दिक्कत नहीं है, वो टाइम मेरे लिए बचेगा। तो गाइस अभी हम बैठ के पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स ही पढ़ेंगे। तो गाइस अंधेरा हो गया, नाइट हो गया है और अभी बैठ के पढ़ेंगे। अभी तो गाइस मेरा करंट अफेयर पढ़ने का टाइम है। तो गाइस करंट अफेयर हम न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं और विजन आई इसमें डायरेक्ट रिसोर्सेस में मिल जाता है। डेली करंट अफेयर दिखाते हैं हम उसको, आपको हम स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से। न्यूज़पेपर में हम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, द हिंदू पहले पढ़ते थे लेकिन हमको ज़्यादा अच्छा इंडियन एक्सप्रेस लगा तो इंडियन एक्सप्रेस को ही पढ़ रहे हैं। आराम से इजीली अवेलेबल है इंडियन एक्सप्रेस नेट पर, तो उसी को हम पढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं अभी। तो गाइस देखिए न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस, आज का डेट है। बहुत मतलब मज़ा आ जाता है मोबाइल में ही पढ़ने में यहाँ, क्योंकि दारू में पहले देता था, हालांकि अब देता नहीं है। देखिए जूम करके पढ़ सकते हैं आराम से। तो गाइस फर्स्ट पेज के बाद हम सेकंड पेज पढ़ते हैं, 3 पेज ही पढ़ते हैं। पहला पेज हो गया फ्रंट पेज, दूसरा सेकंड पेज और तीसरा एडिटोरियल पेज पढ़ते हैं। तो आज संडे है तो आज संडे में एडिटोरियल नहीं देता लेकिन ओपिनियन करके देता है, तो उसको दिखाते हैं आपको हम। लेकिन आज टॉपिक वाइज देता है, इकोनॉमी पॉलिटी ये सब का आज दे देता है सब्जेक्ट। ये रहा देखिए पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स करके दिया हुआ है हेडिंग, सब हेडिंग। पहले के बच्चा लोग सब मेहनत करके पढ़ता था, एक-एक टीचर रहता था, लेकिन अब ये हम लोग कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़े हाँ ये ओपिनियन, ये ओपिनियन मतलब एक तरह से एडिटोरियल ही है। और ये इकोनॉमी, तो मस्त से नोट नोट्स बनाएंगे अभी, नोट्स बना के फिर आराम से खाएंगे सो जाएंगे दिन में, क्योंकि रेस्ट नहीं किए आज बिल्कुल भी एकदम। तो गाइज खाना खा लिए और सोने जा रहे हैं, 9:30 बज गया है। गर्मी तो आज है बहुत भयानक टाइप से, देखिए इसको पूरा गर्मी लगा है। मच्छरदानी भी लगाई ली आधा, फिर सोएंगे अभी, क्योंकि कल मतलब आज रात में सोए नहीं थे ज़्यादा, 3-4 घंटा सोए होंगे ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि कोई फ़ोन करके परेशान कर रहा था रात में। और दूसरा चीज़ है कि दिन में भी आज रेस्ट नहीं किए। तो गाइज अभी सोते हैं।